हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूदिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा अक्सर 2 के रिव्यूज के बारे में। देखते हैं किस तरह से उसे रिव्यूज मिले हैं वेबसाइट्स पर क्रिटिक्स द्वारा। चलिए जानने की करते हैं कोशिश अक्सर 2। तो अक्सर 2 रिलीज हुई थी, अक्सर पहली जो रिलीज हुई थी 2006 में रिलीज हुई थी और ये उसका सीक्वल है अक्सर 2। ठीक है, तो रिव्यू हम जानने के लिए अक्सर 2 रिव्यू ही टाइप कर देते ताकि हमें प्रॉपर चीज़ें मिले। ठीक है, तो रिव्यू लगभग आ चुका है। ये मैंने जनसत्ता का खोल लिया रिव्यू, टाइम्स नाउ का भी रिव्यू आ चुका है एक दिन पहले, नहीं लेकिन प्रॉपर रिव्यू नहीं आई थिंक। अक्सर 2 रिव्यू यहाँ पे टाइम्स नाउ का एक और रिव्यू आया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ चलिए क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का रिव्यू आया 2 घंटे पहले, वो भी देख लेते कुछ अगर दिया है प्रॉपर तो। ठीक है, माउथ शर्ट ने रिव्यू दिया है 2.5 स्टार। चलिए माउथ शर्ट का देख लेते हैं रिव्यू दिया है तो उसमें क्या नया क्या अनोखा है। हमने 4 चीज़ें ओपन की है, चलिए न्यूज़ में देख लेते हैं कुछ और लेटेस्ट आया है रिव्यू तो हम उसे भी ओपन करते हैं। तो लेटेस्ट में यहाँ पर क्विक रिव्यू आया है जी न्यूज़ हिंदी का, चलिए ये भी ओपन कर लेते हैं। चलिए काफ़ी कुछ ओपन हो चुका है और अब जानने की कोशिश करते हैं कि फिल्म को आखिरकार किस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, अक्सर 2 रिव्यू एक तो ऐड इतने आते हैं कि समझ में नहीं आता। अक्सर 2 रिव्यू एक दूसरे के लिए बुने जाल में फंसते किरदारों की कहानी बयां करती है फिल्म। एक दूसरे किरदार में बुने जाल में, अच्छा बोलते हैं ना जो कुआं खोदता है उसी में जाके गिरता है, तो कुछ इस तरह से आई थिंक स्टोरी है। एक दूसरे के लिए जाल बुनते उसी में गिरते जाते हैं और ये फिल्म देख के ऐसा लगता है जैसे कोई सीरियल आ रहा है ना, कोई सीरियल की शूटिंग है क्योंकि ज़्यादातर एक्टर्स सीरियल्स के हैं। जैन खान काफ़ी वक्त बाद आ रही है तो एक अच्छी बात है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा रिव्यू तो नहीं है, चलिए पढ़ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। टाइटल क्या है, एक दूसरे के लिए बुने जाल में तो हमने पढ़ा ही है, यहाँ पे चीज़ें सामने आती हैं। 17 नंबर जैन खान, गौतम अभिनव, शुक्ला, ललित दुबे और मोहित मदन की फिल्म अक्सर 2 रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को आपको क्रिकेटर से राजनेता और एक बड़े एक्टर में, अच्छा सुशांत भी इस फिल्म में नजर आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी क्रिकेटर जो है सुशांत इस फिल्म में एक वकील की भूमिका निभा रही है। फिल्म 2006 में ही पता ही तो हमें सभी। फिल्म अपने बोल्ड सीन की वजह से सुर्खियों में है, जरीन इसमें पहले भी हिट स्टोरी थी में बोल्ड सीन दे चुकी है। फिल्म में अनंत नायर महादेवन ने डायरेक्ट किया है। ठीक है, फिल्म कहानी अरबों रुपये की मालकिन मिसेस खम्बाटा लिलिती दुबे, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लिलिती दुबे, से शुरू होती है जो अपने आर्थिक मैनेजर गौतम रोड को तुरंत एक वृद्ध महिला को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त करने के लिए कहती है, लेकिन पेट ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उससे नौकरी के लिए अप्लाई करती है। बहुत सही चीज़ें हैं इसमें, आई थिंक यहाँ पे सीधा सीधा जो समझ में आ रहा है कि लिलिती दुबे बहुत ही बड़ी बंदी है, उसके जो मैनेजर है उनसे कहती है गौतम नोट से, भाई कोई एक लेडी मेरा ख्याल रखने के लिए रख दे, तो वहाँ पे कोई और ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया रहता है। बुढ़ी एक लेडी की बात करती है जिसे मतलब उसका ख्याल रखने के लिए बुलाती है लिलिती दुबे, लेकिन उसके पहले ही जैन खान ने अप्लाई करती है आई थिंक वो पोस्ट के लिए, तो वो आती कुछ इस तरह से है जो भी है, अभी ज़्यादा पता नहीं है लेकिन ये फिलहाल ट्रेलर के जरिए पता चल रहा है मुझे। इसका रिव्यू जान समझने में दिक्कत हो रही तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं और अगर रिव्यू मिले तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दी अक्सर 2 रिव्यू, गौतम रोड, जैन खान, फिल्म म्यूजिकली फेल, सीक्रेट इमान हाशमी, मैजिक लव, म्यूजिकली स्ट्रांग नहीं है ये बात कही जा रही है। और चलिए बात करते हैं म्यूजिकली, इन्होंने म्यूजिकली पूरी फिल्म को इन्होंने 2.5 स्टार दिया है और वर्डिक क्या दिया है, सैडली अक्सर तो इज नॉट अक्सर, मिथुन मे हैव कंपोज इन सम मेलोडियस ट्रैक हियर बट सम आर सेवर आज जिद नन ऑफ द अदर ट्रैक्स ऑफ चार्ट बस्टर। यहाँ पे म्यूजिक की रिव्यू दिया है सर, म्यूजिक के रिव्यू उसके हिसाब से कहा है कि अक्सर जो 2006 में आई थी वो बहुत बढ़िया थी, उस हिसाब से अक्सर 2 बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे रिव्यूज की बात कर लेते हैं, अक्सर 2 मूवी रिव्यू, जैन खान, गौतम रोड, फिल्म इज ए डैम स्क्विब, आई थिंक बढ़िया नहीं है, इनडायरेक्टली मतलब बोलने का मतलब सीधा सीधा यही है। ठीक है, रिव्यूज कितने दिए हैं, रिव्यूज ज़्यादा दिए नहीं है लोगों ने और बहुत छोटे से रिव्यू में इन्होंने समेट दिया है। और रिव्यू माउथ शर्ट का देते हैं, माउथ शर्ट 2.5 स्टार, माउथ शर्ट तो पहले ही कभी कभी रिव्यूज दे देता है तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते इनके रिव्यू सही है कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो जो तारीख है बहुत पहले की है, तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। जी न्यूज़ पे आ रहा हूँ मैं, जी न्यूज़ पे क्या दिया है, बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज होंगे तुम्हारी सुलू, अक्सर 2 और जस्टिस लीग, ये तो जनरल बात दी है तो हमें भी पता है। तो ओवरऑल जो अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है अक्सर 2 का जो पता चल रहा है
वो एवरेज पता चल रहा है, अच्छा नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका होगा अगर जानने का तो वो होगा ट्विटर। तो ट्विटर पे चलते हैं, ट्विटर पे देखते हैं किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है ताकि हमें पता चले अक्सर टू रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पता चलेगा अक्सर टू रिव्यू का क्या हाल चाल है। एंड द रूटीन थ्रिलर फिल्म, यानी नॉर्मल फिल्म है। यहाँ पे कह रहे प्रेस की कह रहा है अक्सर टू मूवी रिव्यू। ठीक है, अक्सर टू मूवी स्टारकास्ट नहीं, गौतम बुद्ध जिनका फिल्म म्यूजिक फेल्स क्रिकेट। अच्छा, ये हमने अभी थोड़ी देर पहला था पढ़ा था। आई व्यूड अक्सर टू, 2 स्टार दिया है इन्होंने, अर्न रुपीज 40 रुपीज रिव्यू। मतलब जो ट्विटर पे भी रिव्यूज आ रहे तो 2-2.5 स्टार वाले रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे साफ है कि फिल्म का जो रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। आई होप ये फिल्म चले। देख सकते हैं आप कौन कौन रिव्यू दे रहा है अक्सर का। अच्छी बात है यार, चले फिल्म जैसे भी हो, लेकिन फिलहाल जो रिस्पॉन्स है वो अच्छे नहीं आ रहे। अब देखते हैं कि फिल्म किस तरह से आज चलती है, क्योंकि कई सारी फिल्में और भी है, जस्टिस लीग है, टुमाइंस तो भाई सुलू और दो और हिंदी फिल्म रिलीज होने को है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। चलिए कितना ही।